नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात के अंतर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए 45 एचपी में गुजरात मॉडल जो हमारा प्लाउ है उसके बारे में आपको डिटेल्स दूंगा, क्योंकि दोस्तों हमने आज के सभी मॉडल अब तक लगभग डाले हैं, तो हमने अभी 45 एचपी में गुजरात मॉडल नहीं डाला था, तो मैं आज इसको पूरी संपूर्ण जानकारी दूंगा आप कीमत के साथ। तो दोस्तों इसमें क्या क्या मटेरियल लगा है, कितने एचपी का है, कितना टायर साइज है इसका, और ये कितने एचपी का ट्रैक्टर इसे खींच लेगा, कितना इसका वजन है दोस्तों, और इसकी जो भी संपूर्ण जानकारी है कीमत के साथ में पूरी आपको तरीके से बताऊंगा। और दोस्तों ये पाइप होजिंग में है, आप देख सकते हैं फिलहाल कि ये पाइप होजिंग में ये गुजरात मॉडल इसको बोला जाता है। दोस्तों इसकी सबसे पहले तो अपन ब्लेड की बात करें, तो दोस्तों इसकी जो ब्लेड का साइज है वो 17 इंच ब्लेड का साइज है दोस्तों, और इसकी जो ब्लेड के साथ साथ ये है कि ये दोस्तों ये 13 से 14 के जो टायर रहते हैं ट्रैक्टर के उसके लिए पर्याप्त है। ये कटिंग भी अच्छी करता है दोस्तों, और साथ में क्या है कि इसके अंदर जो ये ब्लेड लगी हुई है आप देखेंगे तो इसमें एग्जास्टेबल सब्बल के साथ हमने इसमें एक साइड कटिंग ब्लेड भी लगाई है ताकि इससे मिट्टी अंदर नाली में ना जाए। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों कि 17 इंच ब्लेड के साथ ये आपकी टायर की गुड्डी भी नहीं काटेगा और इससे टायर भी बढ़िया अच्छे चलेंगे, राउंड भी नहीं लेंगे। दूसरी बात ये है कि इसका जो MB है, MB भी हमने काफ़ी जो बड़े हमारे प्लाऊ हैं उनके ही तरीके से हमने इसको भी मॉडिफाई किया हुआ है। और दोस्तों इसमें एग्जास्टेबल पत्ती भी लगाई गई है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि हमने इसको फोल्डिंग रखा गया है, इसका सब्बल भी, मतलब आपको यहाँ से जो है ये सब्बल इसको आप यहाँ से खोल के इसको फोल्डिंग करके इसको पलटी भी कर सकते हैं, प्लस इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो इसको एग्जास्टेबल यहाँ से भी रखा है ताकि आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, और इसको आप आगे का आपका सब्बल घिस जाता है तो आप इसको पलटी करके इसको डबल से इसमें लगा भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों इसकी जो अंदर बीच की चौड़ाई जो रहती है वो है दोस्तों इसकी 11 इंची, तो इसकी वजह से क्या है कि जो टायर है अपने नाली में चलते हैं तो वो प्रॉपर राउंड नहीं लेगा, वो प्रॉपर तरीके से घूमेगा, बढ़िया अच्छा चलेगा। दूसरी बात यह है कि दोस्तों इसका जो वजन है वो लगभग 4 क्विंटल 30 किलो के लगभग में लो दोस्तों इसका जाता है। और दोस्तों ये जो 45 HP का प्लाउ है आप जो देख रहे हैं ये पाइप होजिंग में है, और दोस्तों इसको जो है हमने पाइप होजिंग में बनाया है, और दोस्तों इसका जो वेट है वो 4-4-4:30 के आसपास जाता है, तो फिलहाल ये पाइप होजिंग में बना हुआ है। और दोस्तों इसकी जो कीमत की बात करें तो इसकी कीमत की बात करें तो दोस्तों इसकी कीमत आपको मिलेगी यहाँ पे 70,000 के लगभग में ही इसका बेट जाता है दोस्तों, कीमत इसकी जाती है 70,000 के लगभग में इसकी कीमत दोस्तों जाती है। दोस्तों इसका ये सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि इसको पाइप होजिंग में बनाया गया है, और इसको आप देखेंगे कि बहुत प्यारी इसमें फिनिशिंग दी गई है, इसमें प्रॉपर दो तरीके के हमने उसके अंदर लिंकेजेस लगाए गए हैं ताकि आप एग्जास्टेबल आगे भी कर सकते हैं, उसको पीछे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको 3 हमने एग्जास्टेबल लगवा रहे हैं, 3 लिंकेज जिसे बोलते हैं लिंकेजेस, वो तीनों एक यहाँ पे तो सब में हमने इसमें बढ़ा के दिया है। और दोस्तों इसको पूरी तरीके से मॉडिफाई किया गया है, और सबसे मेन बात तो ये होती है दोस्तों, आपने अभी तक इस बात पे गौर नहीं की होगी, आपने अदरवाइज दूसरी कंपनियों के प्लाउ में देखा होगा तो यहाँ पे आके आपका ये जो सब्बल है ये टिक जाता है, आपको यहाँ पे प्रभात के जो प्लाउ है इसके अंदर आपको लगभग सभी प्लाउओं के अंदर पूरी तरीके से ये जब एग्जास्टेबल होता है यहाँ से, जो कोई बात की दिक्कत आती है, परेशानी आती है खेतों में चलाती वक्त, कभी कम ज़्यादा ज़मीन के हिसाब से इसको सेट करना है तो आप इसको यहाँ से, अदरवाइज दूसरी कंपनियों में यहाँ से आप इसको आगे बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ आप इसको प्रॉपर तरीके से कहीं से भी कैसे भी सेट कर लेंगे ये दोनों पलटी में बराबर प्रॉपर तरीके से, नहीं तो ज़्यादातर कंपनियों में क्या है यहाँ पर ये सब्बल रुक जाता है, इसके बाद आपकी आगे प्लाउ जाने की कोई गुंजाइश ही खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है दोस्तों, इसके अंदर हमने इसको एग्जास्टेबल पूरा यहाँ से कंप्लीट करके रखा गया है ताकि ये पूरी तरीके से यहाँ आके टिके नहीं, इसकी रेंज यहाँ पे ख़त्म ना हो, ताकि ये पूरा प्रॉपर तरीके से ये घूमे। और दोस्तों ये जो 45 हॉर्स पावर है उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा दोस्तों ये प्लाउ। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब दोस्तों मैं जो अगली वीडियो डालूंगा उसके अंदर आपको ढलवा होजिंग की प्लाउ के बारे में जानकारी दूंगा कि ढलवा होजिंग किस तरीके का होता है और उसमें क्या क्या चीज़ होती है और किस तरीके से वो काम करता है प्रॉपर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।